इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकैबुलरी. तो हम पढ़ेंगे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स, मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस, यानी कि अल्फाज, मानी और जुमले. तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं. पहला लफ्ज़ है कॉन्क्वेस्ट. कॉन्क्वेस्ट मीनिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेस बाय फोर्स. टू टेक लेना, कंट्रोल, कब्जा ऑफ अ प्लेस, एक जगह का, बाय फोर्स, ज़बरदस्ती. To take control of a place by force. तो conquest का मतलब होता है किसी जगह पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेना या फिर किसी इलाके को फतह कर लेना. conquest को उर्दू में फतह भी कहा जाता है. सेंटेंस देख लेते हैं. The king told the story of his great conquest. The king, बादशाह, told the story, यानी कि कहानी सुनाई, of his great conquest, उसकी अजीम या बड़ी फतह की. द किंग टोल्ड द स्टोरी ऑफ हिज ग्रेट कॉन्क्वेस्ट. बादशाह ने अपने अजीम या फिर बड़ी फतह की कहानी सुनाई. अगला लफ्ज है अटर. अटर मीनिंग टू से समथिंग, यानी कुछ कहना या बोलना. सेंटेंस देख लेते हैं. शी डिडन्ट अटर अ वर्ड बिकॉज ऑफ हर फियर. शी डिडन्ट अटर, यानी उसने नहीं कहा अ वर्ड, एक लफ्ज, बिकॉज ऑफ हर फियर, उसके खौफ या डर की वजह से. शी डिडन्ट अटर अ वर्ड बिकॉज ऑफ हर फियर. उसने अपने डर की वजह से एक लफ्ज नहीं कहा. अगला लफ्ज है अम्यूज. अम्यूज मीनिंग टू मेक समवन हैप्पी. टू मेक करना या बनाना समवन, किसी को हैप्पी, खुश. तो अम्यूज कहते हैं किसी को खुश करना या फिर किसी को हंसाना. सेंटेंस देख लेते हैं. शी नेवर फेल्स टू अम्यूज अस विद हर जोक्स. शी नेवर फेल्स, यानी वो कभी नाकाम नहीं होती टू अम्यूज अस, हमें खुश या फिर हमें हंसाने में, विद हर जोक्स, उसके लतीफ़ों के साथ. शी नेवर फेल्स टू अम्यूज अस विद हर जोक्स. वो कभी भी हमें अपने लतीफ़ों से हंसाने या फिर खुश करने में नाकाम नहीं होती. अगला लफ्ज़ है किस एंड किन. किस एंड किन मीनिंग रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. रिलेटिव्स कहते हैं रिश्तेदारों को, एंड फ्रेंड्स और दोस्त. तो किस एंड किन हुए हमारे रिश्तेदार और दोस्त. सेंटेंस देख लेते हैं. दे इन्वाइटेड ऑल देयर किस एंड किन टू देयर न्यू हाउस. दे इन्वाइटेड, उन्होंने बुलाया या उन्होंने दावत दी, ऑल, तमाम, देयर, उनके, किथ एंड किन, रिश्तेदार और दोस्त, टू देयर न्यू हाउस, उनके नए घर पर. दे इन्वाइटेड ऑल देयर किथ एंड किन टू देयर न्यू हाउस. उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने नए घर की दावत दी. अगला लफ्ज़ है डिक्री. डिक्री मीनिंग एन ऑफिशियल ऑर्डर. एन ऑफिशियल, एक सरकारी ऑर्डर, हुक्म. तो डिक्री कहते हैं एक ऐसे हुक्म को जो कि किसी हुक्मरान या फिर अदालत वगैरह की तरफ से आता है. सेंटेंस देख लेते हैं. ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द कोर्ट्स डिक्री. ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया या इनकार कर दिया टू एक्सेप्ट, मानने के लिए, द कोर्ट्स डिक्री, अदालत का हुक्म. ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द कोर्ट्स डिग्री, माफ़ कीजिएगा, डिक्री, उसने अदालत का हुक्म मानने से इनकार कर दिया. अगला लफ्ज़ है डॉगेड. डॉगेड मीनिंग समवन हु शोज अ स्ट्रॉन्ग विल टू डू समथिंग. समवन, कोई, हु शोज, जो कि जाहिर करता है अ स्ट्रॉन्ग विल, एक पक्का इरादा, टू डू समथिंग, कुछ करने का. Someone who shows a strong will to do something. तो डॉगेट कहते हैं ऐसे शख्स को जो कि कुछ करने का पक्का इरादा कर लेता है और किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मुसलसल और अनथक मेहनत करता है. डॉगेट का लफ्ज़ किसी इंसान के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके साथ साथ जो आपकी मुसलसल मेहनत या फिर अनथक कोशिशें होती हैं उनको भी डॉगेट कहते हैं. सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. Her dogged efforts led her to success. Her, उसकी, dogged efforts, यानी कि मुसलसल या फिर अनथक कोशिशें, led her, ले गई उसे, to success, कामयाबी की तरफ.
her dogged efforts led her to success. यानी कि उसकी मुसलसल और अनथक कोशिशें उसको कामयाबी की तरफ ले गईं. अगला लफ्ज है flog. Flog meaning to beat someone badly with a stick or whip. To beat मारना someone किसी को badly बुरी तरह with a stick छड़ी के साथ और whip. Whip कहते हैं कोड़े को. तो किसी को बुरी तरह छड़ी या फिर कोड़े के साथ मारने को flog कहते हैं. Sentence की मदद से समझते हैं. The boy was cruelly flogged for stealing. The boy was यानि के लड़का था cruelly जालिमाना तौर पर यानि बेरहम तरीके से flogged पीटा गया for stealing यानि चोरी करने के लिए. The boy was cruelly flogged for stealing यानि लड़के को चोरी की वजह से छड़ी के साथ बुरी तरह पीटा गया. अगला लफ्ज है twilight. Twilight meaning the time between evening and night. The time वक्त between दरमियान में evening शाम and night और रात. तो twilight कहते हैं शाम और रात के दरमियान के वक्त को जब अंधेरा पूरी तरह से नहीं हुआ होता और बिल्कुल मध्यम सी रोशनी होती है बिल्कुल हल्की सी और इसको twilight कहा जाता है. Sentence देख लेते हैं. I couldn't see her face clearly in the twilight. I couldn't see मैं नहीं देख सकी her face उसका चेहरा clearly साफ या फिर वाज़े तौर पर in the twilight हल्की सी रोशनी में. I couldn't see her face clearly in the twilight यानी मैं हल्की सी रोशनी में उसका चेहरा वाज़े तौर पर नहीं देख सकी. अगला लफ्ज़ है hearth. Hearth meaning the area around fireplace. The area jaga around irdgird fireplace जहाँ पर आग जलाई जाती है. तो जिस जगह पर आग जलाई जाती है उसके इर्द गिर्द की जगह को हार्ट कहते हैं. इसको उर्दू में अंगीठी भी कहा जा सकता है. सेंटेंस देख लेते हैं. वी ऑल सेट अराउंड द हार्ट. वी हम ऑल सब सेट अराउंड इर्द गिर्द बैठ गए द हार्ट अंगीठी के. वी ऑल सेट अराउंड द हार्ट हम सब अंगीठी के इर्द गिर्द बैठ गए. अगला लफ्ज़ है shudder. Shudder meaning to shake or shiver. Shudder का मतलब होता है कांपना. सेंटेंस में देख लेते हैं. The moment she heard the loud scream, she shuddered with fear. The moment जिस वक्त she heard उसने सुना the loud scream ऊंची चीख she shuddered वो कांपी with fear खौफ के साथ. The moment she heard the loud scream, she shuddered with fear. यानी जिस वक्त उसने ऊंची चीख की आवाज़ सुनी वो खौफ से कांपी. अगला लफ्ज़ है debt. Debt इसमें b साइलेंट है और इसको debt प्रोनाउंस करते हैं. मीनिंग देख लेते हैं. मनी दैट यू हैव टू पे बैक टू समवन. मनी पैसे दैट यू हैव टू जो कि आपको करने होते हैं पे बैक वापस टू समवन किसी को. तो डेट कहते हैं ऐसे पैसों को जो कि आपने किसी से उधार लिए होते हैं और वापस करने होते हैं. डेट को उर्दू में उधार या फिर कर्ज भी कहा जाता है. सेंटेंस देख लेते हैं. ही पेड ऑफ ऑल हिज डेट विद इन अ ईयर. ही पेड ऑफ यानी उसने अदा कर दिया या फिर चुका दिया ऑल हिज डेट उसका सारा कर्जा विद इन अ ईयर एक साल के अंदर अंदर. ही पेड ऑफ ऑल हिज डेट विद इन अ ईयर यानी उसने एक साल के अंदर अंदर अपना सारा कर्जा चुका दिया. तो ये थे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जिनको हमने उनके मीनिंग्स और सेंटेंसेस की मदद से समझने की कोशिश की. अब आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए.